नमस्कार मित्रों, आज हम ओएलआई के माध्यम से केमिस्ट्री यानी रासायनिक विज्ञान के एक अत्यंत ही रोचक विषय का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा विषय है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम डॉबेराइनर के त्रिक, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी एवं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डॉबेराइनर के त्रिक, न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विफलताएं क्या है, इनकी कमियां क्या हैं और ये क्यों आज हम इसका पालन नहीं करते। आज तक हमें 118 तत्वों की जानकारी है। तत्वों के वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास है अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना। डॉबेराइनर ने सन 1817 में तीन तीन तत्वों का समूह बनाया जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म समान थे। जैसे समूह ए में कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम आता है। इस त्रिक के अनुसार तीन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आरोही क्रम में रखने से मध्य तत्व का द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। उदाहरण के तौर पे यदि हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का समूह लें तो क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वह ब्रोमीन के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। डॉबेराइनर के त्रिक की विफलता यही थी कि वह केवल तीन ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे और इसके बाद खोजे गए तत्व डॉबेराइनर के त्रिक का पालन नहीं करते। सन 1866 में न्यूलैंड ने ज्ञात तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से आरंभ किया तथा 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की और इसलिए उसे अष्टक का सिद्धांत कहा। परंतु इस सिद्धांत की कुछ विफलताएं थी। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता था। उस समय केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे और बाद में खोजे गए तत्व इसका पालन नहीं करते। न्यूलैंड के बाद आई मेंडलीव की आवर्त सारणी जो अब तक की सबसे सटीक सारणी थी। दोस्तों, इस समय तक 63 तत्व ज्ञात थे और मेंडलीव ने इन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं उनके गुणधर्मों के बीच संबंधों का अध्ययन किया तथा उन्हें स्थापित किया। सारणी में ऊर्ध्व स्तंभ को ग्रुप या समूह कहते हैं तथा क्षैतिज पंक्तियों को पीरियड या आवर्त कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां थी कि उन्होंने कुछ रिक्त स्थानों को खाली छोड़ दिया था और उस रिक्त स्थान को अपनी कमियां बताने के बजाय उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का अनुमान लगाया जो आगे खोजे जाएंगे और इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। बाद में मेंडलीव की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। जैसे उन्होंने एका बोरोन की कल्पना की थी जिसे आज स्कैंडियम कहते हैं, एका एल्यूमिनियम जिसे गैलियम कहते हैं और एका सिलिकन जिसे जर्मेनियम कहते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उस समय ज्ञात सभी 63 तत्वों को जगह मिल गई थी। इस सारणी में यह भी देखा गया कि समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। इसकी यह भी उपलब्धि थी कि जब हीलियम, नियॉन एवं आर्गन का पता बाद में चला तब भी पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही इन्हें मेंडलीव की सारणी में स्थान दिया जा सका। परंतु दोस्तों, मेंडलीव की आवर्त सारणी की कुछ कमियां भी हैं। जैसे वह हाइड्रोजन को न्यायसंगत स्थान नहीं दे पाए थे और इस आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए स्थान नहीं है।
तो दोस्तों, हमने यह तो जान लिया कि पुराने सारे सिद्धांत विफल क्यों हुए या फिर उनकी सीमाएं क्या थी। तो आइए अब हम यह जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी क्या है और हम इसका पालन क्यों करते हैं, क्यों यह सबसे सटीक है। सन 1913 में हेनरी मोजले ने बताया कि तत्व के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है। मोजले ने कहा था, तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि परमाणु संख्या क्या होती है। परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस में स्थित प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ है जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। तो दोस्तों, हमारी आधुनिक आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार है। इस सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाएं तो हम समान आवर्त की ओर बढ़ रहे हैं और यदि हम ऊपर से नीचे जाएं तो हम समान समूह वाले तत्वों के दर्शन कर रहे हैं। इस सारणी में जो नीले रंग से दिखाए गए तत्व हैं वह धातु यानी मेटल्स हैं, जो हरे रंग से दिखाए गए तत्व हैं वह अर्ध धातु यानी मेटलॉइड्स हैं। इनके गुणधर्म धातु एवं अधातु के मध्य होते हैं और जो बचे हुए तत्व हैं उन्हें हम अधातु यानी नॉन मेटल्स कहते हैं। समूह बाहरी कोश के सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोशों की संख्या बढ़ जाती है। आवर्त में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है लेकिन कोशों की संख्या समान है। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर होती है, जहां n नाभिक से नियत कोशों की संख्या को दर्शाता है। जैसे K कोश जो प्रथम कोश है, इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और इसलिए प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं। वैसे ही L कोश जिसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और M कोश जिसमें अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं। विश्वास कीजिए दोस्तों, यह बहुत ही आसान है। यहाँ पर 1 से 20 तक के परमाणु संख्या वाले तत्व लिखे गए हैं। शुरुआत हाइड्रोजन से करते हैं, जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है जो के कोश में चला जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि के कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो लिथियम से बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन एल कोश में जाना शुरू कर देंगे। वैसे ही जब हम नियॉन तक पहुंचेंगे तो एल कोश भर जाता है, क्योंकि एल कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो सोडियम से बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन एम कोश में आना शुरू कर देते हैं। पर जैसे ही हम आर्गन पहुंचते हैं, फिर पोटेशियम और कैल्शियम, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थोड़े अलग हैं, क्योंकि आपके मन में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि एम कोश में अधिकतम तो 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर मैंने यहाँ पर M में 8 रख के एक इलेक्ट्रॉन को N में क्यों भेजा, या फिर कैल्शियम में M में 8 रख के N में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों भेजा। तो दोस्तों, यह भी एक सिद्धांत है कि हम आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए मैंने पोटेशियम और कैल्शियम में M कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर 1 और 2 इलेक्ट्रॉन N कोश में भेजा है। दोस्तों, इस सिद्धांत के बारे में आप अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। संयोजकता सबसे बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों से निर्धारित होती है, पर यह संयोजकता है क्या? तो दोस्तों, संयोजकता हमें यह बताती है कि किसी तत्व के यौगिक बनाने की क्षमता क्या है। यदि तत्व धातु है तो उसे इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति होती है और उसकी संयोजकता सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होती है। यदि तत्व अधातु है तो उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है और जितने इलेक्ट्रॉन वह अपने आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए लेता है वह उसकी संयोजकता होती है। तो
दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपको संयोजकता का अनुमान लग जाएगा, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की है क्योंकि वह धातु हैं, तो इसकी संयोजकता इसके सर्वसम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होगी, जैसे सोडियम की संयोजकता 1, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और एल्युमिनियम की संयोजकता 3 के बराबर है। वैसे ही क्लोरीन और सल्फर जो अधातु हैं, उनकी क्षमता इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो वह दो अगर सल्फर दो इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 2 के बराबर होगी। क्लोरीन जिसके आखिरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, अगर वह एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके आखिरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसकी संयोजकता 1 के बराबर होगी। और जो आर्गन और हीलियम ये सब किसी के साथ भी यौगिक नहीं बनाते क्योंकि यह खुद में बहुत ही स्थिर एवं स्थायी होते हैं। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी तत्व यौगिक इसलिए बनाता है ताकि स्थिरता या वह स्थायी बन सके। परमाणु साइज यह परमाणु की त्रिज्या को दर्शाता है। परमाणु के केंद्र से सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज कहलाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से वह इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घट जाता है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नीचे जाने पर एक नया कोश जुड़ जाता है, इससे नाभिक तथा सबसे बाहरी कोश के बीच की दूरी बढ़ जाती है और इस कारण नाभिक का आवेश बढ़ जाने के बाद भी परमाणु का साइज बढ़ जाता है। दोस्तों, जैसे ही हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो पहले हमें धातु, फिर अर्धधातु और फिर अधातु के दर्शन होते हैं। जैसे यदि हम तीसरे आवर्त की बात करें तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जो धातु हैं, सिलिकन जो अर्धधातु है और फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन जो अधातु हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा कि तत्वों को उनके गुणधर्म के आधार पर विभाजित कैसे करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की एक मुख्य उपयोगिता यह है कि हमें किसी एक तत्व के गुणधर्म के बारे में पता है तो हम सारणी में उसके आसपास के तत्वों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूं कि आज मैं आपको तत्वों की आवर्त सारणी की कुछ रोचक जानकारी एवं उसके सटीक सिद्धांत समझाने में सफल रही। तो मैं अब आपसे विदा लेती हूं इस उम्मीद के साथ कि OLI को आपका समर्थन मिलता रहेगा।